करके गाली तड़पती छोटी जान क्यों ना काट ले गया ओ प्रगति उस वक्त की कि जिस वक्त हमारे सर्वीय कवि मेहर सिंह जी कहा के मिलिट्री में भर्ती हो गए लेकिन घर बता के नहीं गए, वहां से 6 महीने के बाद उसने लेटर लिखा। लेटर पढ़ने के बाद उसकी बहू प्रेमवती ने वापस लेटर लिखवाया और जब मेहर सिंह द्वारा वो लेटर पहुंचा और उन्हें एकांत में जाकर पढ़ने लग गया तो सुगर के दो निशान घेर लिया। नू बोलिया रे इकला पढ़ाई साथ ठीक लिख के रखा थे पढ़ के सुनाऊ लग गया। नू बोले नू नहीं भाई गा के सुना के लिखा था उसमें बता अरे देखे ससुर मेरा भी ससुर मेरा भी जो मैं आवे सासू देश गाल मेरी ओ परदेसी तने आण के क्यों ना ली संभाल मेरी ओढ़न पहरण और संग्रण की सती छूटगी ढाल मेरी मैं ओ तू पहरू ते ताने दे एक छोटी नंदनाल मेरी ओ तू पहरू ते ताने छोटी नंदनाल मेरी चकरन ते होते पति के तू गाल गोद में वाड ले जा अरे ते गाल तड़पती खोटी जाने को न काट ले जा ओ फिर के आज को न हाट ले जा महीने में तेरा तेरा पचा चिट्ठी मिली खोजती थी चिट्ठी मैंने लिख रखी तेरी छुट्टी 20 रोज की थी तो दस पूरण मसी पड़वा तेरी पक्की बात रोज की थी फिर सब कौन देते पाव चढ़ा मेरी उस दिन रात मौज की थी कब सुन दे कंधा बड़के कंधा बड़के उतर जा कोना तू बाद राती आज ले जा करके धान Thank you.
शक्कर पारे शक्कर पारे तेरी सवारे लाडू और सुहाड़ी की घर घर कैमा चालू होई लाड को थली बेटी दी की चक्कर आवे खबर मेरे जब मिट्टी नहीं तरसना जी की आता समण बीत गया न्यू सब के मां बात देख रानी की आता समण क्या को ना कि बात लाती याद ले जा भरती हूंगा भरती हूंगा भरती हूंगा जाते दिन तेरे तन में थी कुछ ते जोरी करिया कर माने कुछ तेरे भी मन में थी और ते के पति जी तेरी सुरती गवर्नमेंट अन्न में थी तेरे घर से बाहर दान की बस्ती एक तारीख के अन्न में थी घर से बाहर दान की जाने क्यों न कहा